गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 20 तारीख को होने वाली महासभा से जुड़ी अफवाहों का निवारण किया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि अकोला में होने वाली सभा कोरोना के चलते रद्द हुई है, वहीं यवतमाल में निर्धारित तरीके से सभा ली जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत के साथ राष्ट्रीय किसान नेता आजाद मैदान पर 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे किसान सभा में संबोधन करने वाले हैं। इस सभा की तैयारी पूरी हो चुकी है, ऐसी जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विदर्भ संयोजक श्रीकांत राल और राष्ट्रीय किसान महासंघ के कोर कमेटी के सदस्य संदीप गिड्डे पाटिल ने दी, जिसके कारण 20 तारीख को अकोला और यवतमाल इन दो जगहों में सभा कहां होगी इस बात को लेकर भ्रम और गलतफहमी पैदा हुई, जिस पर अब एक पूर्ण विराम आ गया है क्योंकि सभा अब सिर्फ यवतमाल में होगी। ऐसी जानकारी बुधवार को हुई पत्रकार परिषद में दी गई। थोड़ा सा कन्फ्यूजन अकोला की यवतमाल याच्या बऱ्याचशा गोष्टी आणि चर्चा कन्फ्युजनच्या होत्या। त्यानिमित्ताने आता यवतमाळचं महापंचायत सभा शेतकरी मेळावा हा फायनल झालेला राकेश टिकेतांचा, तर आम्ही यवतमाळला काल बैठक घेतली, पत्रकार परिषदही घेतली आणि तिच्या यवतमाळच्या सभेची जय्यत तयारी झाली आहे। काही लोकांनी प्रश्न आपण विचारल्यापेक्षा मी त्याचं उत्तरच देतो की कलेक्टरांनी जी सभेची जुनी होती भरगच्च सभेची परवानगी होती ती नाकारली आहे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये भी बताया गया कि सबसे पहले 20 तारीख की सुबह 10 बजे बुट्टीपोरी यहां राष्ट्रीय किसान नेता इनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद 100 गाड़ियों भरे काफिले के साथ मोर्चा आगे की ओर रुख करेगा। कोई किसान आत्महत्या ना करे, अपना जो MSP का हक जो है वो मांगने के लिए वो व्यवस्था से लड़ाई उसके अंदर करने की शक्ति आए, इसके लिए हमने यवतमाल चुना है। अलॉन्ग विथ जो चाय पे चर्चा करके यवतमाल में जो कमिटमेंट किसानों को दिया गया था, 3 कानूनों ने वही कमिटमेंट तोड़ा है। स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा तो 3 कानून लागू किए, स्वामीनाथन आयोग बाजू में ही रह गया। दूसरी बात, जो C2+50% दूंगा, ये यही चाय पे चर्चा में कहा गया था। C2+50% दिया है करके उन्होंने मध्य प्रदेश के एक सभा में बताया, यही झूठ उजागर करना इस सभा का मकसद है। तो इसके लिए बेसिकली ये सभा जो है यवतमाल में होने जा रही है। बता दें कि राष्ट्रीय किसान नेता ये नागपुर से होते हुए वर्धा मार्ग के जरिए यवतमाल यहाँ पहुंचेंगी, जिनकी स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।